हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू बीकेबी स्पेशल एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज मैं बहुत खुश और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें देखकर और उनकी अचीवमेंट को देखकर आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी बहुत प्राउड फील करेंगे बिकॉज ये हमारे नागपुर का पोट्टा है, हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि इस पोट्टे ने एक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है जिसे फिल्म फेयर लेडी उनके हाथ में द ब्लैक लेडी जिसे लेकर जो प्राउड फीलिंग आती है ही हैज़ दैट एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव हिम हियर इन आवर स्टूडियो। ही इज नन अदर दैन जयंती के लीड एक्टर रुतराज वानखेड़े हु हैज रिसेंटली विन द बेस्ट मेल डेब्यू मराठी फिल्म फेयर अवार्ड। रुतराज, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन आवर स्टूडियो। और क्या बोलूं, मतलब इतना ज्यादा खुश हूं मैं कि नागपुर का पोट्टा हमारा फिल्म फेयर लेकर आया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो एक ड्रीम ही होता है क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि वो ब्लैक लेडी जिनके हाथ में होती है, मुझे तो बचपन में ऐसे लगता था कि शाहरुख खान के हाथ में है, इसके हाथ में, तो ये ये मिलाना पड़ता है तब जाके हम एक्टर होते हैं। और वो तो बहुत देर तक चला मेरा, फिर बाद में जब पता चला कि इस फील्ड में वो जो चीज है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट डेब्यू में फिल्म फेयर मिलना अपने आप में इज सच अ बिग अचीवमेंट। या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, एंड बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, क्योंकि क्या कहेंगे, मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे लिए वो पॉपुलर कैटेगरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिटिक्स अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस, तो मुझे नॉमिनेशन जो था वो क्रिटिक्स चॉइस में था। अच्छा। और पहली फिल्म के लिए उन्होंने नॉमिनेशन लीडिंग एक्टर्स में मुझे क्रिटिक्स के लिए रखा था, तो हमारे भी एक इच्छा थी कि यार क्रिटिक्स मिल जाए ऐसा वैसा ये वो, एंड देन डेब्यू मिला। और डेब्यू के लिए मैं थोड़ा सा नाराज था, पर 3-4 दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति ने और इतनी अच्छी बात बोल दी कि देखो, बोले रुतराज, ये जो क्रिटिक्स है, ये जो बेस्ट एक्टर है, तो जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेंगे, पर डेब्यू फिल्म जो है वो पहली बार जिंदगी में एक ही बार होती है। वेरी ट्रू। आपकी पहली फिल्म ये पहली बार एक ही बार ही होगी, नाम और उसी फिल्म के लिए ये अवार्ड होता है, यानी जिंदगी में एक ही बार एक ही चांस होता है उसके लिए, और वो आपने मिला लिया है, तो उस दिन से तो मैं बहुत और छाती चौड़ी करके घूम रहा हूँ। बिल्कुल होनी नहीं चाहिए बिकॉज हमारी छाती चौड़ी हो गई है, वी आर एक्चुअली सो प्राउड बिकॉज आपने रिगरसली ब्लैक लेडी सबसे पहले दिखा दो हमारे कैमरे पे बिकॉज ये पोज जो है ये बहुत बनता है। रुतराज, कहीं ना कहीं बहुत रिगरसली तुमने थिएटर्स किए हैं, बहुत लंबी जर्नी रही है एज एक्टिंग में, शुरू से शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूंगी तुम्हें लेकर उस दौर में जब तुमने पहली बार सोचा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है, हाउ डज दिस हैपन? इसकी बहुत शुरू से स्टोरी है। वो तो यहाँ से है कि मेरे माँ और पिताजी थिएटर आर्टिस्ट थे, पर उन्होंने कुछ कारणवश उनको जॉब्स करनी पड़ी। मेरी माँ टीचर थी, पिताजी प्रोफेसर थे, माँ प्रोफेसर थी, टीचर, पिताजी हेडमास्टर थे, तो इनकी जो इनकी हॉबी है ना, ये हमारे घर में, अपने घर में, अपने स्कूल्स में और कॉलेज में पूरी करते थे, और हमारे घर में ये चलते रहता था प्रैक्टिस। तो मैंने मेरे जिंदगी का पहला नाटक जो है वो पहली में किया है, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, क्योंकि वो मुझे पूरा रट गया था, और मैं मेरे दोस्तों के साथ वो ऐसे ही हमने किया एक सीन, और घर वालों को बोला कि 15 अगस्त को तुम हमारी माँ को बता दो, मेरे माँ को बोला कि टीचर को बता दो कि सबसे पहले हम करेंगे और बाद में हमें देखना है। ओके। तू क्या करने वाला है? तब उन्हें पता चला कि इसने ये किया है। अच्छा। तो ये मुझे ऐसा लगता था कि एक हैबिचुअल और एक क्यूरिकुलम एक्टिविटी है जो करनी पड़ती है, तो वहां से वो शुरुआत हुई है। अच्छा। तो मुझे अभी भी याद नहीं है कि मैंने कब ये डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, पर ये मैं करते रहा। ओके। करते रहा, पर जब मैंने प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया, मेरा की थिएटर राष्ट्रभाषा परिवार, तब एक्चुअली जो मैंने प्लेस देखे और मैं NSD में जाके वहाँ पे प्लेस देखे, हमने वहाँ पे परफॉर्म किया, तब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द, यानी ये फील्ड है जो कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग है, और ये चैलेंज मैं लेना चाहूँगा। और वहीं से फिर मैंने प्रिपरेशन और ज्यादा, यानी प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल थिएटर करना चालू किया, तो वो हो सकता है। और मेरा एक बोल सकते हैं ना, वो एक मूवमेंट था, वो मूवमेंट था, मैंने एक फिरका करके एक प्ले देखा था, जो हमारे राष्ट्रभाषा में ही एक वर्कशॉप का
वर्कशॉप था. हर साल वर्कशॉप होते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एलुमनी आती है, वो 10-12 दिन सिखाते हैं. प्रोडक्शन था तो वो एक ऐसा प्ले था, वास्तववादी प्ले था वो, कि वो स्टेज पे नहीं था. हमारे पार्किंग लॉट से लेके एक स्टोरी वहां पे, फिर बीच में एक, और फिर वो पीछे, ऐसे ऑडियंस मूव हो रही थी उस प्ले को लेके. और मैं उस दौरान वर्कशॉप नहीं कर पाया और मैं डायरेक्टली उस प्ले, वो प्ले देखने के लिए आया और मैं वो प्ले देख कर रोया था. यानी वैसा नहीं रोया था कि वहां पे कुछ सैड सीन हो रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही थी घर जाके कि मुझे शायद वो एक पॉइंट हो सकता है मेरे लिए, कि घर जाके मेरे आंखों में ऐसे आंसू निकल रहा था कि यार ये क्या देख लिया मैंने, वो मुझे फील करना है. तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट था कि जहाँ पे मैंने सोचा कि ये दिस इज इटर्नल हैप्पीनेस. Okay. और वो मुझे करना है. वो बहुत जरूरी है ऋतुराज. मेड बी एनी प्रोफेशन, मेड बी एनी फील्ड, वो जो कनेक्शन है ना, वो फील होना बहुत जरूरी. आज हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में, वो चाहे मराठी फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, यहाँ पर स्ट्रगल्स बहुत हैं. लोग कर रहे हैं बट वो स्ट्रगलर्स जो हैं उनमें उतना डिटर्मिनेशन नहीं नजर आता. आई थिंक लाइमलाइट के लिए पीपल आर ऑप्टिंग दिस इंडस्ट्री, हो सकता है, बट देयर आर पीपल जो बहुत सीरियसली इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. आपके घर में तो ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स मना कर रहे थे, क्योंकि हमेशा मोस्टली देखा गया कि जब हम कोई एक्टर बनना चाहते हैं तो हमारी फैमिली हमेशा कहती है अरे ये क्या चालू कर दिया, ये क्यों करना है. बिकॉज हर कोई पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और एक अच्छी जॉब या एक अच्छा प्रोफेशन. ऐसा तुम्हारे यहाँ तो नहीं हुआ? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा ऐसा नहीं हुआ मेरे यहाँ पे. पर क्या होता है ना, वो टू वे कम्युनिकेशन है. अच्छा, हाँ बिल्कुल. आप मैंने कोई भी, मैं तो कहना चाहूंगा सबको कि मेरे जैसे जो भी है लड़के लड़कियां, ग्रांटेड मत लो पेरेंट्स को. वेरी ट्रू. कि हमें जो भी करना है, आपको जिंदगी में जो भी करना होगा ना, आप उन्हें ग्रांटेड नहीं लोगे तो वो आपको नहीं, वो आपको नहीं लेंगे. अगर आप बोल दोगे कि हमें वो करना है तो वो भी बोलेंगे कि ये मत करो. राइट. तो आपको कॉन्स्टेंटली दिखाना पड़ेगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कितनी शिद्दत से वो करना है. और अगर उन्हें जो कुछ चाहिए वो भी करते रहो, ये भी करते रहो, साथ साथ तो वैसे ही इंजीनियरिंग कर ली, एमटेक भी कर लिया तो वो जरूरी है. आपको वो मनाना पड़ेगा. और एक बात, यानी उनको ये फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे कि मेरे केस में हुआ कि अगर मैं एमटेक कर रहा था या फिर मैंने इंजीनियर हूँ और मेरे जॉब लेटर्स मैंने दिखा है तो मेरे दोस्तों को भी वो जॉब्स उन्होंने एक्सेप्ट किए. मैं तो ये सब कर रहा था, फिर मैं एमटेक भी ये थिएटर के लिए किया, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया तो उन्हें ना वो दिख रहा था कि ये उस कंपनी में होता तो इसका अभी ये ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग थे. राइट, राइट, राइट. तो उन्हें वो चीज दिख रही थी, तो उनको ये फीलिंग भी आई कि ये तो वो अचीव कर रहा था. true, true. ये इसके हाथ में होता, पर इसे ये नहीं चाहिए, इसको कोई और चाहिए, तो खुद का ही तो ये अपना ये कर रहा है, वो पैशन दिखा रहा है. और नहीं तो वो मिल जाता था, तो वो दिखाना पड़ता है. तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए घर वालों को भी वो तो टेंशन रहेगा, हर बार रहेगा. सी, मुझे लगता है कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बगावत जो है ना, बहुत गलत तरीके से की जाती है. आज की जनरेशन ना बगावत बहुत गलत तरीके से करती है. मुझे लगता है कि आप जब बच्चे होते हो और जब पेरेंट्स से आप कुछ मांगते हो तो वो आपको किस तरह दे देते हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो. बड़े हो जाते हो तब भी वो आपके, आप उनके बच्चे ही रहते हो, लेकिन समझाने का तरीका जो है वो बदलना चाहिए. आपको अपने पैशन को उनके सामने रखना चाहिए, वो ये नहीं चाहेंगे. अगर उन्हें दिखेगा कि आप सच में कुछ कर सकते हो तो वो जरूर आपको कहेंगे. और वो दिखता है, आप अपना पैशन नहीं छुपा सकते हो. वेरी ट्रू. और वो दिखेगा. वेरी ट्रू. तो दिखाओ. वेरी ट्रू. जैसे इंजीनियर्स को लेकर इतनी गलत स्टोरीज मीम्स बनते हैं कि हर इंजीनियर इंजीनियरिंग तो कर लेता है, फर्स्ट ईयर चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपना ट्रैक चेंज कर देता है. तो ये हर किसी के साथ हो सकता है, अगर आप अपने कोई भी पैशन को डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो अगर प्रेजेंट करें. रुद्राज, जब तुमने इस एक्टिंग फील्ड को अपनाया, थिएटर शुरू किया, बिकॉज आई थिंक कि एक बेस जो है वो थिएटर बहुत जरूरी है अगर हम एक्टिंग इंडस्ट्री में सच में अच्छा कुछ करना चाहते हैं. बिकॉज जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बेस सुरताल होने बहुत जरूरी है, वैसे थिएटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किस तरह का किरदार निभाया थिएटर्स ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में? या ऑफ कोर्स थिएटर की वजह से मुझे, मैं तो यहाँ तक बहुत लोगों को लगेगा फिलोसॉफिकल बोल रहा हूँ, पर लाइफ क्या है ना, वो मुझे थिएटर ने सिखाया. अच्छा. और वो सच में है चीज, क्योंकि जब तक आप एक इंसान ऐसे नहीं होते जो आपको सिंपथी और एम्पथी जो चीज है आपके पास वो नहीं है ना,
तो आप कोई किरदार को जस्टिफाई नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। Very true. और लोगों को लगता है कि मैं उस किरदार को इमिटेट करूंगा मेरे बॉडी से, मेरे वॉइस से, तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे किसी के भी बारे में वो फीलिंग ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसका पेन क्या है, तो मैं लोगों को क्या दिखाऊंगा कि उसको क्या पेन होगा। तो वो एक ह्यूमैनिटी सिखाता है थिएटर। रही बात टेक्निकली या स्किल सेट की, तो ये फील्ड इतनी क्या बोलते हैं उसे कि ये फील्ड बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपने 100 किताबें पढ़ ली है एक्टिंग की, तो आपकी नोट्स अच्छी होंगी, आपके पास बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होंगे, पर आपका मोनोलॉग 10 मिनट का अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा ये मैं नहीं बता सकता। तो सही है। तो अब आता है कि प्रैक्टिकलिटी कैसे करें। तो प्रैक्टिकलिटी करने के लिए अब अकेले करिए, या फिर आपके लिए कोई किसी लोगों ने पैसा डाल के शॉर्ट फिल्म करना चाहिए या फिर फिल्म करना है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। तो उस पे आप खुद को क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्यों होगा, कोई क्यों पैसा डालेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बेस्ट मीडियम है थिएटर। थिएटर में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और थिएटर में आप गलतियां बहुत ज्यादा कर सकते हो। एक महीना प्रैक्टिस करके, जो नाटक में एक दिन का नाटक होता है उसके लिए आप जो एक महीना गलतियां करते हो वो आपको आगे के 10 साल लाता है। तो मेरे लिए वो थिएटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, मुझे वहां से प्रोसेस समझी है कि क्या करना है, और एट द सेम टाइम कि एक्टिंग है क्या। जैसे हम किसी भी यानी कोई भी चीज ले लो, मुझे तबला अगर प्ले करना है तो मैं रोज क्लास लगाता हूँ या फिर मैं वो रोज बजाता हूँ। सिंगर रोज रिहर्सल करता है, रियाज करता है, पर एक्टर कुछ नहीं करता है। एक्टर सिर्फ ये बोलता है कि मुझे एक्टिंग करना है और मुझे मेरी इच्छा है कि मेरा कोई ऑटोग्राफ ले। तो ये जो प्रैक्टिस है वो थिएटर देती है, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो थिएटर देता है। तो ये मुझे थिएटर ने दिया, मेरे मिराकी थिएटर ने या फिर राष्ट्रभाषा थिएटर ने, मेलियोरिस थिएटर ने, इन सारे थिएटर्स ने मुझे ये दिया, नागपुर की रंगभूमि ने मुझे ये दिया, और जो कॉन्फिडेंस मिला है उसी का ये सब नतीजा है। रुद्राज, पहली ही फिल्म में छक्का लगाया है तुमने। मेरिट स्टूडेंट बन के निकले हो तुम। थिएटर्स में भी मेरिट थे कि वहां पर भी डांट खाई है या गिरे हो या कुछ रोए हो, ऐसी कुछ चीजें हुई है? ये हमारा एक मूल मंत्र रहता था कि हम जब भी वर्कशॉप करते थे ना, तो वर्कशॉप में हमें बताया जाता था, बहुत से वर्कशॉप में बताया गया, मैंने NSD का किया, MSD का किया, यहाँ पे किया, नेशनल एलुमनी का किया, तो सब लोग बोलते थे कि देखो इस 10-12-15 दिन में जो सबसे ज्यादा गाली सुनेगा या फिर मार खाएगा उसकी एक्टिंग 16वें दिन सबसे अच्छी रहेगी। क्या बात है। तो इसीलिए मैंने तो बहुत डांट खाई है, बहुत ज्यादा डांट खाई है, और इसीलिए शायद वो मिस्टेक्स मैं डबल नहीं कर पाया फिर। और वो नोट डाउन करता था मैं, नाटक देखता था तो घर जाके मैं जब प्रैक्टिस देखता था तब मैं लिख के रखता था, 300-300 गलतियां रहती थी मेरी। तो मेरा एक था प्रोसेस कि वो फिर बाद में ना हो, इसीलिए वो सारी प्रोसेस थी। तो डांट तो बहुत खाई है मैंने। एक जगह पर पहुंचने के लिए कि जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, बहुत ज्यादा बैक स्टेप्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो जाता है, कभी हुआ ऐसा कुछ? वो सारी चीजें ऐसी है कि एक लेवल पे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ। सेल्फिश इन द सेंस व्हाट, कि मैं मेरा पैशन परसीव कर रहा हूँ और मेरे आसपास के लोगों को मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे घर के इश्यूज थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। पर मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ें मैंने छोड़ के इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट जो कर रहा हूँ, बीइंग एन इंजीनियर, अगर मैं तभी वो जो पास्ट हमें रिवील करता है, एक ये देता है, तो मुझे हर बार लग रहा था कि क्या मैंने उस वक्त वो गलती तो नहीं की, मैं सेल्फिशनेस में तो नहीं चला गया, क्योंकि मैंने ये फील्ड से भी फिर मैं हेल्प तो की, पर वो था एक पर इन सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है, और मैंने फिल्मफेयर जब मुझे मिला तो मैंने वही चीज़ की, क्योंकि जब भी मैंने उस दौरान परफॉर्म किया है, और जिस किसी ने भी, वो फिर अनूप कुमार सर हो जो नागपुर के IAS थे, मैंने राज्य नाट्य में जो जीता हूँ मैं, हमारा नाटक जो 26 साल के बाद पहली बार आया, उनके जो जज थे, या फिर और जो भी लोग जिन्होंने रुपेश दा या फिर अजय दा, ये जिनको मैं मानता हूँ,
इन लोगों ने जब भी मेरी परफॉर्मेंसेस देखकर मुझे बोला है ना कि यार तुझ में है बात, तू लगा रहे, तो ये चीज मुझे संवारने में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. यानी बहुत एट रैंडम कॉल्स आते थे मेरी परफॉर्मेंसेस देख के कि यार भाई तू बहुत अच्छा करता है, बिल्कुल सोचना मत कि तू नागपुर का है और या फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तू बस करते रहे कुछ ना कुछ होगा. तो इससे मैं संभल जाता था और ये होता था. तो ये चीज कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आ जाता है आज की जनरेशन में. अब तुम्हें तो कॉम्प्लीमेंट्स बड़े मिले, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उल्टा उस चीजों से तो मेरा मोरल ये हुआ क्योंकि वो बहुत जेन्युइन रिप्लाईज थे. क्योंकि मैंने शायद ये नहीं बताया बात कि जिन्होंने भी ये सारा मुझे बोला है फोन करके, वो नॉर्मल ऑडियंस नहीं थी. अच्छा. वो ऑडियंस वो थी, वो रंगकर्मी थे, वो नाटक करने वाले थे, और शायद मैं उनके टाइमलाइन में 10 साल पीछे था. तो उन्हें वो रिलेट होता था कि यार ये भी ये महसूस कर रहा होगा, तो इसे हमको तो किसी ने बूस्ट नहीं किया, हम यहाँ पे ये बोल के ये करें. तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया. तो वो कॉम्प्लीमेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता उनसे. नहीं जरूरी, क्योंकि आज की यंग जनरेशन बहुत जल्दी इन चीजों को कर लेती है. मैं ये कहूंगी कि थिएटर्स में इतने सारे थिएटर्स किए, इतने सारे शोज किए, आज एक एक अलग दौर है. एक टाइम था पहले एक मेल ओरिएंटेड फिल्में हुआ करती थी, आज वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं. अब एक दौर है कि अब तो हीरो हीरोइन की जरूरत भी नहीं है, आज तो आइडियोलॉजिकल फिल्में बन रही हैं, आजकल मैसेज मोटिव फिल्में बन रही जो लोगों को पसंद आ रही है. एक टाइम था लोगों को पसंद नहीं आती थी, लोगों को एक हीरोइन चाहिए, एक हीरो चाहिए, रोमांटिक चाहिए, रोमांस चाहिए, थोड़ी फाइटिंग चाहिए, इस तरीके के हीरो पसंद आते थे. लेकिन आजकल हीरो का एक जो वो डेफिनेशन है वो बदल गया, एक फेज बदल गया है. आपने शुरुआत की एक ऐसी पिक्चर से, ये थॉट कैसे? यानी मेरी पिक्चर की वजह से और ये सारी चीजें ना. देखिए, बीइंग एन थिएटर आर्टिस्ट हमको सिर्फ इतना समझाया गया है और वो एक आता है हमें कि सबसे बड़ा हीरो हमारे लिए तो कंटेंट है और स्क्रिप्ट होती है. वो जितनी अच्छी होगी ना उतना अच्छा हम उसको और ज्यादा रंग बिरंगी कर सकते हैं. तो हमारे लिए हर बार हम तो मानते ही है कि कंटेंट सबसे बड़ा हीरो है. और ये अभी प्रूव भी हुआ कोरोना में, ओटीटी पे जो मूवीज रिलीज हुई जिसमें कोई नोन फेस नहीं था, कंटेंट ही है जिसके वजह से आपको प्रतीक गांधी मिला या फिर ऋतुराज वानखेड़े मिला. सो ये हमें ऑलरेडी पता है जी. और मैं भी यही करूंगा क्योंकि जो स्टोरी लोगों को पसंद आ रही है उसी के किरदार पसंद आएंगे और उसी के किरदार जो है वो हम है. तो अगर उन्हें वो किरदार पसंद आए तो हम पसंद आएंगे. तो मैं उसमें इनसिक्योर बिल्कुल नहीं हूँ कि पहले ऐसा था वैसा था. वो तो अच्छी बात है कि ये ऐसा है और हम कैरेक्टर करेंगे अच्छा तो लोगों को पसंद आएगा. और आखिरी में आपने क्या बोला था कि ये फिल्म मैंने कैसे चूज की, किस तरह आई किस तरह आई की, तो बहुत बड़ी लॉन्ग स्टोरी है. पर मैं ये कहूंगा जब मैंने इस फिल्म का स्टोरी सुना था, मेरे अंदर से आवाज आई थी कि ये करनी चाहिए. बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी फिल्म फेयर हुआ, मेरी फिल्म रिलीज हुई, मैं लीड था. तब मुझे जब नरेशन मिला तब सर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ. मैं मुंबई में मुझे नरेशन मिला और आई वॉज लाइक कि मैंने वो स्टोरी सुन ली और मैंने बोला कि सर मैं इस प्रोजेक्ट में किसी भी लेवल पे एंटर होने के लिए तैयार. बिकॉज मुझे लगता था बीइंग एन यूथ कि ये चीज मैं ये नीड ऑफ द आवर बोल सकते हैं, काड़ाची गरज जो मराठी म्हणतो आपण, वो बहुत जरूरी थी ये स्टोरी. क्योंकि मैं खुद अपने दोस्तों के साथ ऐसे बात नहीं कर पा रहा था जो मुद्दा और जो डिस्कशन इस फिल्म में चालू किया है. तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेवल पे तो मैं वैसे भी खुश था, फिर थोड़ा टेंशन आया कि मैं वो पोर्ट्री कर पाऊंगा कि नहीं. और रही बात मैं इसमें एंटर होने की, तो वो तो 2016 या 17 से ऑडिशन दिया है और वो फिर वो सारे प्रोसेस है. मेरा सीक्रेट ऑडिशन हुआ है 4 साल. तब मैं जब मैंने 2016 में ऑडिशन दिया था तब मेल्यूरिस फिल्म जयंती कर रहा था, उसके बाद वो शेल्ड हो गया और फिर रूममेट नाम की फिल्म की इन्होंने, उसके बाद फिर से बड़े ग्रैंडचर में जयंती की. तो तब से मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में था उनके. मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं किस रोल के लिए फाइनल हूँ. तो हम लोग जो थे 10-12 लोग जो सिलेक्ट हुए थे, फिर इन्होंने देखा कि इसका ये नाटक वेना, मेरे हर नाटक देखते थे ये, मुझे बाद में पता चला. अच्छा. वो भी पोस्ट शूट जब हमने बातें की तो तब वो टेस्ट चल रहा था. इतना बड़ा ऑडिशन दिया है मैंने 4 साल जो कि पता भी नहीं था मुझे और ऐसे इस फिल्म में एंटर हुआ. ये फिल्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज देती है कि किस तरह से, क्योंकि दौर बदल रहा है, सेलिब्रेशंस के तरीके मायने बहुत बदल चुके हैं,
जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस फिल्म ने बहुत बखूबी दिखाया है और यहाँ पर हर तरीके से, वो चाहे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो और बाकी के हमारे शिवाजी महाराज हो, इन सारी चीजों को इतने अच्छे से, जब ये तुम किरदार प्ले कर रहे थे, किसी किरदार को प्ले करने के लिए हमें उस रोल को अपनाना और उसे कैप्चर करना बहुत जरूरी, किस तरह की तैयारी रही? ये स्क्रिप्ट ऐसी थी कि जब तक मैं वो कन्विंस नहीं करूंगा, यानी मैं कन्विंस खुद नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि एक होता है ना कि अगर मैं कोई हीरो कर रहा हूँ सो कॉल्ड, जो लोगों को देखना है, तो उसके लिए उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं है। लोग एक्स्ट्रा ब्यूटी शॉर्ट्स एंड ये शॉर्ट्स मैं कुछ कर लूंगा तो लोगों को वो पसंद आएगा, और उनके लिए रेफरेंस नहीं है कि वो किसी को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। इस फिल्म का ऐसा था, और ना ही कोई बायोपिक है कि कोई रिलेटिव क्वेश्चन है कि हाँ ये ऐसे ऐसे तो हाँ ऐसे ही कपड़े पहनता है, ऐसा है, ठीक है मिमिक्री नहीं, पर वो आव भाव और चाल चलन है। यहाँ पे ऐसा था कि इतना जनरलाइज कैरेक्टर था कि हम सबने देखा है, इन लोगों ने भी देखा होगा कि कार्यकर्ता लोग कैसे होते हैं, है ना, जयंती के, और हर गली में, हर गलियारे में, चौक में, सिटी में, गांव में, हर जगह जयंती होती है और वहां पे वो कार्यकर्ता होते हैं। अब मुझे वो टारगेट करना था कि हर कार्यकर्ता जब जाए फिल्म देखने के बाद उनको लगे कि हाँ यार हम ऐसे। सो दिस वॉज रियली टफ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि वो इतना जनरलाइज था तो हर एक का कुछ कुछ लेना, और उसके लिए तो उनके साथ उठना बैठना तो करना नहीं पड़ता, पर वो हमें दिखते हैं हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक क्वालिटी, फिर वहां से हमने वो चूज किया कि दाढ़ी रहेगी, फिर ये रहेगा, फिर वो ये रहेगा, फिर उसकी बात की वो टोन रहेगी, तो ये सारी चीजें। और दूसरा एक चैलेंज था जिसमें मैं स्क्रिप्ट लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था कि ये फिल्म कुछ नहीं है, संत्या जो है वो संतोष होने वाला है, यानी जो बैड बॉय है वो गुड बॉय होने वाला है, और बस ठीक है पहले बैड बॉय करो फिर गुड बॉय करो। तो फिर वहां पे एक राइटर और एक डायरेक्टर का टेक आता है, और सर ने मुझे बोला था कि देखो ये ऐसा नहीं है, हम कोई मैजिक नहीं दिखा रहे कि चार सीन के बाद वो ऐसा हो रहा है और कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी, हमें ये दिखाना है कि जो पहली फ्रेम में दिख रहा है बंदा वही आखिरी फ्रेम में वो देखेगा तो उसे लगेगा हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। दिस कैन बी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कोरिलेटेबल है, हाँ ये हो सकता है यार। तो वो मेरे लिए इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर किया, और वैसे ही मैं यहाँ से ज्यादा प्रिपरेशन किया, बहुत तकलीफ दिया हूँ राइटर सर को और डायरेक्टर सर को, हमारे एक ही है शैलेश सर, तो उनको बहुत पूछा हूँ मैंने कि ये ऐसा बोलेगा तो क्यों, ये ऐसा करेगा तो क्यों, और वही है। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि ये बताने के लिए शायद उतना ही नहीं लगेगा, पर आप यहाँ से अगर नहीं आया ना उस कैरेक्टर के बिलीवेबल क्वेश्चन में, आप लोगों को नहीं कन्विंस कर सकते। और वो मेरे लिए यानी क्या बोलते हैं, एक पुरस्कार ही था कि उसके बाद हर थिएटर में जब हम गए, 10 में से 2 लोग आके बोलते थे ये हमारी स्टोरी है, हमारी स्टोरी, वो मेरे लिए जीत थी, वो जरूरी था, एंड क्योंकि कनेक्ट करना ऑडियंस से बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब फिल्म कर ली, अवार्ड मिल गया, इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म सोचा है, फिल्म सोची है, या फिर टेलीविजन में भी इंटरेस्ट है? वैसे इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है एक्टिंग, और वो एक्टिंग जो है मैं कहीं पे भी करूंगा। ओके, और सच में सीरियसली कंटेंट अगर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, तो मैं वो, मुझे एक्टिंग करने में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं शायद एनएसडी में भी इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, मैंने ऐसे ही आंसर दिया है कि मुझे थिएटर नहीं करना है जिंदगी भर, मुझे कैमरा में एक्टिंग नहीं करना है, यानी कैमरा के सामने काम नहीं करना है, मुझे एक्टिंग करना है। तो वो थिएटर में भी हो सकता है, वो टीवी में भी हो सकता है, वो वेब सीरीज में भी हो सकता है, और कोई प्लेटफॉर्म्स आएंगे या फिर और कोई जॉनर आएगा उसमें भी हो सकता है, बस मुझे तो हाँ मुझे एक्टिंग करना है, और बस वही, बस वो कीड़ा मेंटेन रखना है, बनाए रखना बस, है, बस, बस, एक्टिंग करनी है, बस। हर किसी के लिए एक आइडल होता है, तुम्हारे लिए कोई आइडल है? मराठी कैरेक्टर हो, कोई सीनियर एक्टर हो, बॉलीवुड से हो सकता है, कौन है आपके लिए? प्रभास। ओके, हाँ तुम कहीं ना कहीं साइड फ्रेम दिखता भी, ऐसा किसी ने बोला है तुम्हें? हाँ बोला है, पर इसलिए नहीं है, मेरे लिए वो है बहुत ज्यादा, बॉलीवुड में देखा जाए तो नन अदर देन अपने हमारे ऋतिक रोशन। अच्छा, और मराठी में जो थे वो श्रीराम लागू थे, क्योंकि हमने बहुत सुना है उनके बारे में कि
वो एक टेल थी उनके बारे में कि नसीरुद्दीन शाह एनएसडी करके आए, मुंबई में पहुंचे और पहुंचने के बाद एक नाटक देखने गए और उनको लग रहा था कि हमने तो 3 साल थिएटर सीखा है यार, अब तो हमें आता है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। और उन्होंने देखा नाटक श्रीराम लागू का और उनको लगा मुझे कुछ नहीं आता है। एंड देन ही अगेन एनरोल्ड फॉर एफटी आया है। सो ये किस्सा बहुत, तो इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली उनको, तो वो एक तो सात्विक अभिनय जो बोलते हैं वो उन्होंने किया है, सर बोलते हैं। पर राइट नाउ मैं बोलूंगा कि वो तो है ही, पर प्रभास इज माय फेवरेट और उसके साथ मैं जरूर काम करूंगा, मुझे करना है डेफिनेटली। हम देखना चाहेंगे और हम प्राउडली फिर ये फोटोग्राफ शेयर करेंगे कि सी रुद्रराज बस विदाज। रुद्रराज मराठी अच्छे से नहीं आती मुझे, मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, बट जेव्हा तुझं नाव अनाउंस झाला स्टेज वर काय वाटलं जेव्हा तू स्टेज वर गेला अवॉर्ड साठी आणि अवॉर्ड तुझ्या हातात होतं? म्हणजे ती गोष्ट मी अजूनही डायजेस्ट करू शकत नाही आहे, कारण म्हणजे क्रिटिक्स चॉईस साठी आम्हाला 5 नॉमिनेशन होते। पहिल्या स्लॉट मध्ये सर आणि मीच बसलो होतो, नंतर दुसऱ्या स्लॉट मध्ये प्रोड्युसर्स वगैरे आले, आम्ही दोघच जण होतो। आणि आम्ही दोघं असताना मग तिथे असं झालं की डेब्यूचे नॉमिनेशन नव्हते, डिरेक्टली त्यांनी अवॉर्ड दिला। ओके, सो त्यांना म्हणजे डाऊट नव्हता कदाचित, त्यांनी डायरेक्टली एक नाव घेऊन दिलं, तर आम्हाला हे माहिती नव्हतं कदाचित। आणि आम्ही बोलून राहिलो की आता हे नॉमिनेशन ते नॉमिनेशन असं तसं, आणि सडनली माझं नाव अनाऊन्स झालेलं। मी ना फोटो काढू शकलो, आम्ही ना व्हिडिओ, कारण आम्ही दोघंच प्रिपेअर्डच नव्हतो, कारण नॉमिनेशन आले असतात तर आपल्याला माहिती असतं की याच्यामधले काही आम्ही लोक राहणार आहे, त्याच्यात काहीतरी मिळेल। तर आपण एक सडनली नाव आलं आणि मी स्टेज पर्यंत गेलो, तोपर्यंत मला कळत नव्हतं की काय होत आहे माझ्यासोबत, राईट। आणि त्याच्यानंतर सिद्धार्थ जाधव आणि अमोल अमेय वाघ हे दोघं अँकरिंग करत होते, गूजबम्स येत आहेत, आणि त्यांनी मला हग केलं। मी त्यांनी बघितलं असेल की याला काहीच कळून नाही राहिलेलं की काय चाललंय, ते अँकरिंग करता करता ते आले, त्यांनी हग केलं आणि मी तो अवॉर्ड घेतला आणि मी आलो। हे अरे ऑसम फीलिंग होती ती, स्पीच रेडी नाही, कारण की हे सरप्राईज होतं राईट, जेव्हा आपल्याला कोई तरी अवॉर्ड मिळता है तो वी हमारे पास रेडी, आय वुड लाइक टू थैंक दिस दिस दिस, ये क्या था? नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये अवार्ड्स में हमें स्पीच देने को ही नहीं लगा, क्योंकि उनका जो कोरोना का सब था तो वो अवार्ड देने के बाद बस एक ही स्टेटमेंट बोलते थे, हाँ थैंक यू तो बोला, पर एक ही स्टेटमेंट बोलते थे कि विजेतांना फिल्म फेयर आणि मान्यवरांना टेक केयर। सो ऐसा जो उनका चल रहा था, मैंने बहुत बड़ी स्पीच लिखी थी इसलिए मैंने फिर वो कैप्शन में मेरे डाली है, बहुत बड़ी और बड़ा था वो, पर मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा हो रहा है वो, तो वो स्पीच थी बहुत बड़ी, पर ये फीलिंग जो है वो मैं नहीं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। और सबसे ज्यादा जो खुशी हुई इस बात की कि मैं फिल्म शुरू होने के पहले से बोलता था कि ऐसे ही बोलता था कि मैं फिल्म फेयर लेने वाला हूँ, मैं यहाँ से गया भी तो मैं खाली डब्बा लेके गया था ताकि मैं वो शील्ड उसमें लेके आऊँ। तो ये सारे एक मैनिफेस्टेशन होता है या फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये मैं अभी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पहले किसी को नहीं बोला हूँ, मिलने के बाद तो बोल सकते हैं। तो ये था मेरे हर दोस्तों ने जिनको मैंने ये बात बताई है, उन्होंने मुझे कॉल कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया, उन्होंने मुझे बोला है कि भाई तू जो बोल रहा था वो हो गया। तो ये फीलिंग है एक्चुअली, और वो हो गई, और क्या बोलूं मैं, बस नहीं इट इज अ थिंग कि वो मेमोरेबल रहे। तुमने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी हर किसी को थैंक किया, यू आर अ डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड आई विल से कि आप हमेशा ऐसे ही रहें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थिंग्स, आपके जो भी आप करें, एंड ऐसे ही अवार्ड्स आप अपने नाम लाएं और हम इस तरह से रुद्रराज को इंटरव्यू करते रहें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड विच गोज टू रुद्रराज वानखेड़े। मैं चाहती हूँ मैं अपने हाथ से ऐसे दूँ, सो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, एंड आई विश कि ये इस तरह से कई अवार्ड इनके नाम होते रहें। सो चलिए मिलेंगे किसी और सेलिब्रिटी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए। तब तक के लिए दिस इज मीनाक्षी साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड डू वॉच वीकेबी न्यूज। थैंक यू सो मच।